डिगंगना सूर्यवंशी और आज मैं अपनी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी क्यूट सी बच्चों वाली हॉबी शेयर करने वाली हूँ। मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, स्केटिंग, बैडमिंटन, ड्राइविंग, बहुत सारी चीज़ें पसंद है, बट ये एक उन चीज़ों में से है जो मुझे बहुत बचपन में लेकर चला जाता है और एक अलग किस्म की खुशी देता है। तो मैं अपना ये पूरी दुकान फैला देती हूँ और नई नई आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बनाती हूँ। सो आइए देखिए आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। जब तक ये ग्लू चाबियों के ऊपर ड्राई हो रहा है तब तक मैं जो दूसरी चीज़ बनाने जा रही हूँ, ये एक प्लास्टिक का ग्लास है जो मेरे घर पे ऐसे ही पड़ा हुआ था और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब आइसक्रीम्स खाते हैं और जो बच जाता है वो फेंक देते हैं। मैं कुछ बनाने जा रही हूँ, मैं क्या बनाने वाली हूँ ये तो मैं नहीं बताऊँगी, आप देखिए सोचिए, नहीं समझ पाएंगे तो फिर लास्ट में मैं बता ही दूँगी। जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक मैं इस रहस्यमय चाबी को पेंट करने वाली हूँ। ये ड्राई हो चुका है, जब तक चाबी पे जो मैंने पेंट किया है वो ड्राई होता है तब तक हम इसको डेकोरेट करेंगे। बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। ये है कैंडल स्टैंड, सो आप देख सकते हैं स्टिक्स के बीच में थोड़ा सा गैप है, मैं इस कैंडल को जला के अंदर डाल दूंगी तो ये पूरा इल्यूमिनेट हो जाएगा। और ये शोपीस है, ये थ्री की फ्रेंड्स है, मैंने वेस्ट कीज होती है ऐसी पड़ी होती है इधर उधर हो जाती है, तो मैंने अच्छे से पेंट किया उसमें, उनको अलग अलग एक्सप्रेशन दिए। सो या थ्री की फ्रेंड्स, और की मतलब हर प्रॉब्लम की होती है, सो कहीं ना कहीं उससे रिलेट करता है। पेपर माशी, बिकॉज पेपर माशी एज इन पेपर का बनाना बहुत आसान होता है, आपको सिर्फ बॉटल या किसी का खाली कैन लेना होता है, उसे ग्लू और पेपर से कवर करते रहना होता है, जब वो ड्राई हो जाता है तो उसको पेंट कर दो आप जैसे चाहो। सो मैंने फ्लावर पॉट बनाया था सेट्स पर, वो मैं आपको भी दिखा सकती हूँ। ये मैंने तब पेंट किया था, ये ग्लास पेंटिंग है, मेरी पेंटिंग से आप समझ सकते हैं मैंने अभी नहीं किया है। मैं जब सिक्स स्टैंडर्ड में थी मैंने इसे तब पेंट किया था और ये आज भी वैसे ही रखा हुआ है। ये मेरी मम्मा को क्रोशिया करना बहुत अच्छा लगता है, उनको क्रोशेट का बहुत शौक है, तो वो जो बंडल आता है ना क्रोशेट का, जब वो खाली बचता है तो वैसे कोन जैसे शेप में थ्रेड रैप्ड होता है, तो वो खाली बंडल मैंने लिया जो ऑलरेडी ऐसे शेप का था, उसमें ग्लू लगाया, पेपर को रोल किया, फिर उसके बाद टिश्यू से रैप किया ताकि सारा वाइट वाइट हो जाए, उसके बाद पेंट कर दिया और अब उसमें फ्लावर लगा दिया। मैथ्स की बुक के लास्ट के 20 पेजेस में ड्राइंग करती थी, बिकॉज़ इट इज जस्ट नॉट लाइक मैथमेटिक्स। हम सच में चर्च गेट गए थे, ये जो प्लास्टिक दिख रहा है ना ऊपर, कि नहीं पापा आर्ट अटैक में उसने बोला है कि वो स्टिकी वाला होता है। अरे बेटा वो स्टिकी वाला पेपर सारा मुंबई ढूंढ लिया। We'll be right back.
सारे ब्रशेस हैं। ये रेनबो पेंसिल्स ने भी इतना परेशान किया है ना, एक नई नई चीज़ें, फैंसी फैंसी चीज़ें मार्केट में आ जाती हैं और मैं अपने पेरेंट्स को इतना दौड़ा देती हूँ। ये एक बोलते हैं ना, जो भी मैंने लर्न किया, जो जिस चीज़ ने मुझे अपसेट किया या खुशी दिया, कुछ सिखाया, वो सब कुछ मैं लिखती थी। बोर्डिंग पासेस देते हैं ना, तो मैं उनसे बोलती थी, एक्सक्यूज मी, मैं ना कलेक्ट कर रही हूँ, क्या मैं 2 एक्स्ट्रा ले सकती हूँ? तो मेरी एक आदत है, मैं हर चीज़ की पिक्चर ले लेती हूँ, ऑब्वियसली मेमोरी की तरह, और फिर जो चीज़ें मुझे लगता है कि मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, उसे पूरे सम्मान से उठा के दान कर देती हूँ, ताकि जो मैंने बनाया है उसकी रिस्पेक्ट भी रह जाए और जिनको मिले वो उसके साथ प्रॉब्ली खेल सके, उनको थोड़ी सी खुशी मिलेगी। सो या काफ़ी चीज़ें बना कर दान कर देती हूँ।